हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे हम पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए और इसके लिए क्या कौन से मटेरियल्स, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है वो क्या क्या चाहिए वो आप देख लेना और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो फर्स्ट आपको क्या क्या करना है, आपको क्या लेना है उसके लिए, तो जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसा सेम आप अपने पैरों पे यूज़ करिए तो आपको पता चलेगा कि पेडिक्योर घर पे कैसे करते हैं। ओके, वैसे मार्केट में बाहर पेडिक्योर किट मिलता है जो कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही सस्ता 170 रुपीज़ या 180 रुपीज़ में मिल जाएगा आराम से, और वो बहुत ही इजीली आप घर पे कैसे आपको यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए कि घर पे पेडिक्योर कैसे करते हैं। थैंक यू। आपको एक तपेले में गर्म पानी लेना है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो गर्म पानी आपको लेना है, ज़्यादा भी गर्म नहीं, जितना सामने वाला सह सके उतना गर्म पानी लेना है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको लेना है ये चीज़ के लिए। आपको अवेलेबल बाहर अच्छे जो भी ब्यूटी शॉप है वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप अगर उसमें बोलोगे कि पेडिक्योर का सामान चाहिए तो ये सारे उसमें मिल जाएंगे पेडिक्योर का सामान। ओके, और इसमें मैंने बेबी क्रीम लिया है जो कि मॉइस्चराइज करने के लिए, और मैंने बोरोलिन का क्रीम लिया है जो कि नेल्स पे लगाने के लिए। अब इस पे शैम्पू लगाना है और शैम्पू के बाद ब्रश से अच्छे से उसको स्क्रब करना है। ओके, ब्रश से अच्छे से क्लीन करना है उसे, नेल्स के ऊपर, सारे फिंगर्स पर, पूरे पैरों पे और हील्स पे। इनकी हील्स ज़्यादा रफ़ नहीं है, मीन्स सॉफ्ट है, तो इनके हील्स पे मैंने वो स्क्रबर यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं था। नहीं तो अगर किसकी हील्स पे अगर स्क्रबर की अगर ज़रूरत है तो आप हील्स पे स्क्रब भी कर सकते हो। ओके, सो देखो मैंने कैसे अच्छे से इसको स्क्रब किया है शैम्पू लगा के। और ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा शैम्पू नहीं डालना है, थोड़ा ही शैम्पू डालना है, ज़्यादा शैम्पू ना हो, तो शैम्पू थोड़ा हो। और फिर अच्छे से क्लीन करना है पैरों को। क्लीन करने के बाद उसको पानी से वॉश कर दो, फिर टॉवल से पोंछ लो, और फिर हर एक नेल्स पे मैंने बोरोलिन का क्रीम लगाया है, या फिर आप वैसलिन का जो जेल वाला क्रीम आता है वैसलिन का, वो भी आप लगा सकते हो। सारे नेल्स पे वो लगाया है। फिर इसमें जो एक स्टिक आती है जो आगे साइड पे उसका फ्रंट साइड पे रबर टाइप रहता है, तो उससे सारे नेल्स को क्लीन करना है क्रीम से। तो क्रीम से सारे जो भी नेल्स है उस पर रब करना है, रब करके अच्छे से उसे क्लीन करना है। तो देखो ये कैसे रब कर रहे हैं हम, अच्छे से आपको रब करना है नेल्स पे, ताकि उससे जितने भी डेड नेल्स जो भी ऊपर जो भी आती है, अपीयर होती है जो भी नेल्स पे, वो सारे रिमूव हो जाता है नेल्स से। ओके, और नेल्स भी अच्छे शाइन आ जाता है नेल्स पे, सारे डेड स्किन सब निकल जाती है नेल्स से, तो अच्छे से शाइन होता है नेल्स। बस ध्यान रखना कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से आपको रब करना है नेल्स पे। आप ये खुद के पैरों पे भी कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है करने का। और जब भी गर्म पानी लो ना, पानी के अंदर आपको 2 चम्मच नमक डालना है और इनो सोडा डालना है। इनो सोडा अगर नहीं है तो खाने वाला जो सोडा रहता है, खाने वाला सोडा डालना है। ओके, अब ये
जो स्टिक था रबड़ वाला स्टिक, उसके बैक साइड पे एक हल्का सा शार्प टाइप एकदम पतला सा ये रहता है, उससे आपको रब करना है नेल्स को, ताकि उसकी और भी जो भी लेयर जो भी ऊपर जो अपीयर रहता है, जो भी डेड वाला जो भी नेल्स अगर ऊपर रहते हैं वो सारे उससे रिमूव हो जाता है, जो भी डेड्स रहता है वो सारे रिमूव हो जाती है, और जो स्किन रहती है वाइट स्किन जो जमा हो जाती है अपने नेल्स पे, जिससे अपना नेल्स जो ग्रोथ नहीं होता है अच्छे से वो लॉक हो जाता है नेल्स, तो उसको भी हमें रिमूव करना है, तो इससे उसे अच्छे से रिमूव करना है। ओके, फिर नेल्स के जो साइड साइड पे जो ब्लैक कलर का डर्ट जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है ब्लैक कलर का, उसे हमें नेल फाइलर का जो मेन जो आगे का पॉइंटेड जो है एरिया, उससे हमें नेल्स का गंदा पार्ट निकालना है, जो कि ब्लैक पार्ट्स आजू बाजू जमा हो जाता है। हम बाहर जाते हैं चलते हैं तो चप्पल में तो बाहर सब धूल मिट्टी वो सब हमारे नाखून में जमा हो जाती है, तो आपको ये नेल फाइलर का जो आगे का पार्ट जो रहता है उससे आपको रिमूव करना है, क्योंकि पानी में जब हमारा पैर रहता है गर्म पानी में, तो उससे हमारे नेल्स है अपनी स्किन है वो सारी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो आप बहुत ही इजी से ये सब निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना प्लीज़, सूखे पैर पे मत करना ये सब, फिर बहुत ही पेन होता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डेड स्किन रिमूव का, तो ये देखो डेड स्किन रिमूव हो रहा है इससे, इससे जितनी भी साइड की जो भी ब्लैक कलर की जो डेड स्किन दिखती है आपको, वो डेड स्किन ये इंस्ट्रूमेंट से निकलता है। बहुत ही आराम से करना है, नहीं तो आपको लग भी सकती है, क्योंकि वो बहुत धार वाला रहता है, तो आपको बहुत ही आराम से करना है डेड स्किन रिमूव करना है इससे। और देखो कैसे कर रहे हैं, कौन से साइड से आपको लेना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे करके आपको लेना है डेड स्किन रिमूव के लिए। और हर एक उंगली पे नहीं रहता है, हर एक फिंगर्स पे नहीं रहता है, अंगूठे पे रहता है, और फिंगर्स पे आपको देखना है अगर डेड स्किन दिख रही है ब्लैक कलर का तो ही रिमूव करना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है रिमूव करने की। अगर ब्लैक कलर में डेड स्किन आपको दिख रही है तो ही रिमूव करो। उसके बाद आपको क्रीम मसाज देना है, कोई भी क्रीम मसाज आप ले सकते हो, मैंने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का जो क्रीम मसाज रहता है, क्रीम रहता है, उससे मैंने ये मसाज दिया है, बहुत ही मॉइस्चराइज अच्छा है वो वाला क्रीम। और आपको वैसलीन अगर देना है या बॉडी लोशन जो भी रहता है, आप उससे भी क्रीम मसाज दे सकते हो। और लास्ट है फिनिशिंग अपना नेल पेंट से, तो नेल पेंट से आपको फिनिशिंग देना है, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर से आप आपका नेल पेंट लगा सकते हो। आप देख सकते हो पैर अभी कितना सुंदर लग। अच्छा, तो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है, तो आपने देखा होगा मेरा वीडियो कि मैंने कैसे पेडिक्योर किया, और उसके लिए कैसे यूज़ करना है जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसे बहुत ही इजीली और आराम से यूज़ करना है। तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना है आप प्रॉपरली एक बार देख लेना, और फिर अच्छे से पेडिक्योर कर लो घर पे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय।